आप जहाँ बैठे हो ये हनुमान जी की गद्दी है, इसको हनुमान गढ़ी कहते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, ये जानते हैं फिलहाल। आप देखिए आगे हनुमान जी हैं, पीछे राम दरबार है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा का पालन किया है और हनुमान जी महाराज का राज तिलक यहाँ पर हुआ। भगवान श्री राम ने खुद से हनुमान जी का यहाँ पे राज्याभिषेक किया था और तब से हनुमान जी यहाँ पे विराजमान हैं। माता सीता जी ने उनको आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधसुत हो, अजरता का, अमरत्व का और पुत्रवत आशीर्वाद हनुमान जी महाराज को दिया था माता सीता जी ने। क्यों? लंका में जब वो थी निशाचरों के कब्जे में, तो पहला कोई शुभचिंतक था वो हनुमान जी महाराज थे। हनुमान जी यहाँ की सारा व्यवस्था देखते हैं और हनुमान जी सदैव यहाँ पर हैं। हनुमान जी अजर अमर है, यहाँ राज तिलक हुआ है तो हनुमान जी के पास है डेली लाखों भक्त, 1 लाख से ऊपर राम भक्त डेली आते हैं, दर्शन और पूजन करते हैं और हनुमान जी महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ऐसा सर्वसुलभ प्रत्यक्ष हनुमान जी का वास है और हनुमान जी सबका कल्याण करते हैं, ऐसा ये जगह पर, इस जगह पर आप लोग आए। दोस्तों अभी मैं अयोध्या में हूँ और अयोध्या का देख रहे होंगे यहाँ पे श्री हनुमान गढ़ी मंदिर, जो प्रमुख मंदिर है हमारे अयोध्या का, बहुत ही बेहतरीन जगह है, बहुत ही पावन जगह है। तो आप सबको मैं दर्शन करवाऊंगा, यहाँ से कई सीढ़ियों को चढ़ के उसके बाद मंदिर पे जाना होता है। तो बहुत ही भव्य स्थल है, बहुत ही अद्भुत स्थल है। चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं कि ऊपर में क्या क्या है। दोस्तों अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म स्थल, जन्मभूमि अयोध्या में हूँ और अयोध्या का कुछ भाग मैं आप सबों से साझा किया था, कुछ दार्शनिक स्थल, पर्यटक स्थल जिसे कह सकते हैं, भक्ति का वो जगह, भक्ति का वो स्थल जहां पे आप जाएंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, वैसा जगह मैं आप सबको दिखाया था। और एक वैसा ही विशेष जगह जो अयोध्या का प्रमुख स्थल है, हनुमान गढ़ी, जहां पे हनुमान जी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वहां पे राज तिलक किए हैं और वहां का राजा बनाए हैं, वही ये स्थल है। और खास करके आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन यहाँ पे काफी संख्या में भक्त आते हैं, हजारों की संख्या नहीं कह सकते हैं, लाखों की संख्या में पूरे दिन यहाँ पे भक्त आते हैं और प्रभु हनुमान जी का दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। काफी भव्य स्थल है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे आने वाले हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। वो स्थल है हनुमान गढ़ी जो अयोध्या में स्थित है। आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर विपर मार। कहाँ से आए हैं? हम आए रघुपुरा, ग्रेटर नोएडा से। नोएडा से आए जी। पहले बार आए हैं यहाँ पे? हाँ जी सर, पहली बार आए हैं। अच्छा, दर्शन किए? बहुत अच्छे से किए। क्या जानते हैं इस जगह के बारे में? क्या जानते हैं? ज्यादा कुछ खास तो नहीं जानता, लेकिन हाँ इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है, ये जानते हैं फिलहाल। बिल्कुल जी। मैं पहले भी बताया कि यहाँ पे आने वाले हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। वो स्थल है अयोध्या में स्थित हनुमान गढ़ी का। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया था कि भगवान श्री राम ने खुद से हनुमान जी का यहाँ पे राज्याभिषेक किया था और तब से हनुमान जी यहाँ पे विराजमान हैं। आप जब आएंगे तो हनुमान जी की साक्षात दर्शन आप करेंगे, उनकी कृपा आप पे बरसेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कुछ भी यहाँ की विशेष जानकारी है, जो यहाँ के महंत जी हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा, उनसे मिलूंगा भी। और अभी मैं आप सबको हनुमान जी का दर्शन भी करवाऊंगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों अभी मैं आप सबों को भ्रमण करवाया था, उत्तर प्रदेश में अयोध्या था, रामलला का जो जन्म स्थल है, पवित्र जन्म स्थल, मैं आप सबों को पूरा भ्रमण करवाया था। उसके बाद आप सबों को मैं हनुमान गढ़ी लेके आया, हनुमान गढ़ी में हनुमान का दर्शन करवाया, यहाँ के बारे में जो कुछ भी मुझे जानकारी थी आप सबों से साझा किया। और विशेष जानकारी के लिए हम हनुमान गढ़ी के जो प्रमुख महंत हैं इनके पास आया हूँ। अब इनसे हम जानेंगे कि यहाँ की विशेषता क्या है, यहाँ पे कब से पूजा अर्चना की जाती है, तो ये सब कुछ मैं इनसे जानूंगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले के आर न्यूज में स्वागत है आपका। पहले तो धर्मनगरी अयोध्या से के आर न्यूज के जितने दर्शक हैं उनको ढेर सारा आशीर्वाद, उसके बाद आपको ढेर सारा आशीर्वाद कि आप लोग वहाँ से चल के यहाँ तक आए, आने के बाद यहाँ की संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, कितने पुराने प्राचीन मठ हैं, मंदिर हैं, कहाँ क्या इतिहास है, आप चैनल के माध्यम से आम जनमानस तक पहुँचाएंगे, इसके नाते आपको ढेर सारा आशीर्वाद आपको और आपको टीम को। आपका नाम क्या हुआ सर? मैं महंत राजूदास, सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़। यह प्राचीन जगह है और प्राचीन स्थल है
और कहा जाता है कि राम दुआरे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका वर्णन रामचरितमानस में किया है और महर्षि वाल्मीकि ने इसको वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन किया है। यह आदिकालीन प्राचीन अलौकिक अयोध्या है। जब सृष्टि की संरचना हुई तो महाराजा मनु का जन्म इसी धरा पे हुआ था, धर्मनगरी अयोध्या में। और हमको लगता है आज नहीं, कई लाख करोड़ वर्ष प्राचीन ये नगरी है। और एक समय हुआ करता था कि यह पूरे विश्व की राजधानी हुआ करती थी, अयोध्या पर पूरे विश्व की राजधानी हुआ करती थी। आप देखिए महाराजा दशरथ सदैव देवताओं के लिए लड़ाई लड़ने के लिए राक्षसों से जाया करते थे। आप देखिए भगवान राम सनातन धर्म संस्कृति की स्थापना के लिए और मानवता कल्याण के लिए और दुष्टों के संहार करने के लिए यहीं से गए। इसके बाद एक से एक ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा यहाँ पर हुए। आप जहाँ बैठे हो ये हनुमान जी की गद्दी है, इसको हनुमानगढ़ी कहते हैं। और यहाँ हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है। राजा के रूप में विराजमान है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो देखेंगे आप कि राम जी के चरण में हनुमान जी बैठे मिलेंगे, लेकिन जब यहाँ आप देखेंगे तो श्री हनुमान जी महाराज राजा के रूप में आगे बैठे हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मर्यादा का पालन किया, फॉलो किया। और अपना आप देखेंगे स्वतः पीछे हैं। आप देखिए आगे हनुमान जी हैं, पीछे राम दरबार है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा का पालन किया है। और हनुमान जी महाराज का राजतिलक यहाँ पर हुआ है। क्यों हुआ हनुमान जी महाराज का राजतिलक? भाई पूछेंगे आप कि भाई उनके बेटे तो लव और कुश थे, और भी लोग थे, लेकिन माता सीता जी ने उनको आशीर्वाद दिया था अजर अमर गुण निधसुत हो। अजरता का, अमरत्व का और पुत्रवत आशीर्वाद हनुमान जी महाराज को दिया था माता सीता जी ने। क्यों? लंका में जब वो थी निशाचरों के कब्जे में, तो पहला कोई शुभचिंतक था वो हनुमान जी महाराज थे जो पहुँचे। पहुँचने के बाद उतनी विशाल आतंकियों के साम्राज्य में, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने सकुशल लंका को परास्त किया, ध्वस्त किया, पस्त किया, निशाचरों को मारा। मारने के बाद जो सोने की लंका, सोने की लंका क्या, सोना का तपाओगे तो निखरेगा, जलेगा नहीं, लेकिन सोने की लंका भी जल गई। सोने को आप जलाओगे तो निखरेगा, जलता नहीं है, लेकिन सोने की लंका भी भस्म हो गई। क्यों भस्म हो गई? क्योंकि पाप की लंका थी। पाप अपने बाप का नहीं होता है, पाप कभी भी किसी को खत्म कर सकती है। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण उस समय में है, भगवान राम के समय जो लंका थी वो सोने की लंका थी, वो सोने की लंका पाप के श्राप से भस्म हो गई। हनुमान जी महाराज ने भस्म किया। उसके बाद जब माता जी के सामने हनुमान जी प्रकट हुए आए, तो माता सीता जी ने कहा कि चलो कोई तो इतने वर्ष के बाद कोई तो मिला जो हमारा शुभचिंतक रहा है। तो इसके नाते उन्होंने कहा, जो परिचय दिया उन्होंने दिया, रामदूत मात जानकी। मैं राम का दूत हूँ माता जानकी, मैं रामदूत मात जानकी। ये नहीं कहा कि मैं महंत राजूदास हूँ, ये नहीं कहा कि मैं फलाने हूँ, ये नहीं कहा कि मैं हनुमान हूँ, ये नहीं बताया कि मैं पवन पुत्र हूँ। उन्होंने कहा रामदूत, भगवान राम के मैं दूत हूँ मात जानकी, नाम भी नहीं बताया। तो माता जी को लगा कि वाह, ये तो परम हमारे जो पति देवता हैं, हमारे जो स्वामी हैं, उसके अनन्य भक्त हैं। तो उन्होंने तब आशीर्वाद दिया कि अजर अमर गुण निधसुत हो। तो पहले राजघरानों में ज्येष्ठ पुत्रों का ही राज्याभिषेक होता था। जब भी राजघरानों में ज्येष्ठ पुत्रों का ही राज्याभिषेक होता था, तो जब भगवान राम साकेत धाम को जाने लगे तो माता के मन में था कि राम जैसा सुयोग, राम जैसा प्रभावशाली, राम जैसा सर्वशक्तिमान, राम जैसा वैभवशाली अगर कोई है तो वो हनुमान जी, हनुमान जी ही ऐसा कुछ कार्य कर सकते हैं। तो इसके नाते हनुमान जी महाराज का यहाँ राज्याभिषेक हुआ है। हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान हैं।
और भक्तों का दुख हरते हैं, भक्तों का संकट हरते हैं। यह सनातन परंपरा का मुख्य गद्दी है, निर्वाणी अखाड़े के अंतर्गत ये चलता है। यहाँ पर 1000 संत रहते हैं। यहाँ पर हमारे जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के समय कालीन से ही हम लोग पूजा पाठ यहाँ पर कर रहे हैं। 300 कुछ ईस्वी से यहाँ पर बैरागी संप्रदाय से हम लोग हैं, बैरागी लोग हैं, बैरागी संत हैं। 300 कुछ ईस्वी से हम लोग यहाँ पूजन कर रहे हैं। उसके पहले यहाँ पर सन्यासी करते थे, उसके पहले भाट संप्रदाय से लोग पूजा किया करते थे। लेकिन हम लोग वैष्णव साधु हैं, भगवान राम को भजते हैं, हनुमान जी के हम लोग साधक हैं। और जब छोटे छोटे राजवारे आपस में लड़ते थे, मरते थे, कटते थे, तो राजस्थान के एक राजा थे, उन्होंने एक व्यवस्था बनाई, अखाड़ों की संरचना किया। और अखाड़ों की संरचना करने के बाद वो परिवार में जाने के बाद बच्चे दान में मांगते थे, उसको शस्त्र और साज से सुसज्जित करते थे, और उसके बाद उसको विरक्त की दीक्षा देते थे, नागा की उपाधि देते थे। उसके बाद जो है सेना, हम लोग जो है सनातन धर्म की सेना के रूप में जाने जाते हैं नागा। ये मलेटी बेस कैंप था, ये हनुमानगढ़ ये छावनी जो बेस कैंप था, और कार्य करते थे हम लोग सनातन धर्म के लिए। जब आपस में छोटे मोटे राजा राजवार आपस में लड़ा करते थे सीमा विस्तारीकरण के लिए, आपस में गुटबाजी में, तो हम लोग धर्म की लड़ाई के लिए हम लोग रहते थे और धर्म की लड़ाई में रहते थे। तो ये वेश मलेटी कैंप है और यहाँ पर 1000 संत नागा साधु रहते हैं। और यहाँ 4 प्रमुख महंत हैं, एक दिनशीन हैं, और 1000 संत सेवा भाव में हनुमान जी यहाँ की सारा व्यवस्था देखते हैं। और हनुमान जी सदैव यहाँ पर हैं, हनुमान जी अजर अमर है, यहाँ राज तिलक हुआ है। तो हनुमान जी के पास है डेली लाखों भक्त, 1 लाख से ऊपर राम भक्त डेली आते हैं, दर्शन और पूजन करते हैं, और हनुमान जी महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ऐसा सर्वसुलभ प्रत्यक्ष हनुमान जी का वास है और हनुमान जी सबका कल्याण करते हैं। ऐसा ही जगह पर, इस जगह पर आप लोग आए, और हमको लगता है कि इस जगह पर आने के बाद सभी भक्तों का मनोकामना हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं। और पूर्ण करने के बाद हनुमान जी सभी की दुख और चिंता को हरते हैं। अब महाराज जी, हम लोग ऐसा सुने थे कि जब भगवान श्री राम लंका पे विजय प्राप्त करके वापस आए थे तो सबसे पहला ठहराव यहाँ पे हुआ था, ऐसा कहीं पे सुने हैं, ये क्या सत्य है? नहीं देखिए भाई, ये तो राजगद्दी बताए ना, सबसे पहले लंका के विजय प्राप्ति के बाद आए थे, पहला ठहराव इसलिए है क्योंकि राजगद्दी है ये। अच्छा, हाँ ये राजगद्दी है, हनुमान जी का राज्याभिषेक हुआ है, राजा के रूप में यहाँ विराजमान। अगर भगवान राम की राजगद्दी रही होगी तब तो हनुमान जी महाराज का राज तिलक हुआ है ना, तो इसके नाते यहाँ राजगद्दी है, राज तिलक हुआ है, हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान है और सदैव हैं, और कलयुग के तो प्रत्यक्ष देवता हैं, इसमें कोई बट कोई संशय कोई लेकिन नहीं। दोस्तों, मैं आप सबों को जो जानकारी दी थी और उससे कहीं बेहतर और कहीं बृहत रूप से महाराज जी के द्वारा हमें जानकारी मिली। मैं निवेदन करना चाहूँगा वैसे साथियों से जो ऐसे पावन जगह पे नहीं आए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो ये जन्मस्थल है अयोध्या, और उसमें साक्षात हनुमान जी का दर्शन आप यहाँ पे आकर कर सकते हैं हनुमान कठी। मैं निश्चित रूप से निवेदन करूँगा कि ऐसे पावन जगह पे आए और भगवान श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का और हनुमान जी का पावन दर्शन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना बहुमूल्य समय। पुनः पुनः ढेर सारी मंगल कामना, ढेर सारा आशीर्वाद। भगवान राम की जन्मभूमि पे भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य चला है। विगत 500 वर्ष के संघर्ष के बाद ऐसा अवसर, ऐसा क्षण हर व्यक्ति को मिले कि आप आइए अयोध्या, अयोध्या आने के बाद हनुमान जी महाराज से अनुमति लीजिए, हनुमान जी महाराज के चरणों में मत्था टेकिए, आपके सारे दुख, सारे क्लेश, सारे बाधा, सारे रोग दोष दूर होंगे। उसके बाद आप भगवान राम के चरणों में उनका दर्शन करिए। हनुमान जी किस लिए कहा, पहले दर्शन करिए, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। हनुमान जी भगवान राम के अनन्य सेवक हैं और साक्षात उनकी वास है, जब इनका दर्शन करके जाएंगे तो भगवान राम प्रसन्न होंगे और दर्शन भी देंगे आपको। इसके नाते आइए, स्वागत है धर्मनगरी अयोध्या में, अनेक बार दर्शन और पूजन करिए, अपने जीवन को धन्य करिए।